सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को पूरे देश में होने जा रहे भारत बंद के चलते आज करनाल के लघु सचिवालय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। बाद में जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा को ज्ञापन दिया गया। कर्मचारी नेता सुशील सिरसी ने बताया कि सरकार की किसान एवं कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में 26 नवंबर को पूरे देशव्यापी हड़ताल की जा रही है एवं बंद का आह्वान किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज नोटिस देने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है ताकि ज्ञापन हरियाणा के मुख्य सचिव को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की निजीकरण की नीति, ठेकेदारी प्रथा, नए नए अध्यादेश लाए जाने, कर्मचारियों की छटनी करने के विरोध एवं अन्य मांगों को लेकर पूरे देश में 26 नवंबर को भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में पड़े खाली पदों को जल्द से जल्द पूरा करे और नए कर्मचारियों की भर्ती करे। उन्होंने कहा कि यह 26 नवंबर का भारत बंद अपने आप में एक अनोखा भारत बंद का आंदोलन होगा, जिसमें विभिन्न ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, लेबर से जुड़े संगठन एवं किसान संगठन भी हिस्सा लेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे एवं सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तमाम ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे 26 नवंबर को एक प्रकार की ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रही है। हड़ताल तो कर्मचारी संघ ने पहले भी किया है, हमेशा हड़ताल कामयाब हुई है, लेकिन कर्मचारी संघ ने अब की बार इस सरकार को, भाजपा सरकार को पूरा चेताने का जो काम किया अब की बार, जो हड़ताल मतलब एक ऐसी हड़ताल होने जा रही है जो पूरे देश में एक अपने आप को रिकॉर्ड कायम करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से यह सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, कर्मचारियों को LTC DA फ्रीज करने की जो बात कर रहे हैं, धीरे धीरे तमाम विभागों को जो बेचने का काम कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों को हम तो कह रहे थे पक्के करने की बात, ये पक्के कर्मचारियों को कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों ने लेकर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान साथी, तमाम पूरे देश की अहम ड्रम ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को एक प्रकार से चक्का जाम पूरे देश का करने का, इसलिए आज कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज पूरे प्रदेश में आह्वान किया कि आज का दिन हम नोटिस डे मना रहे हैं। एक नोटिस 26 नवंबरी का देने के लिए आज जिला प्रशासन को आए थे कि 26 नवंबर को हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। उसी के कड़ी में आज जिला कमेटी करनाल ने भी तमाम विभागों के तमाम पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि कोरोना को देखते हुए तमाम साथियों ने, जिला कमेटी ने ये निर्णय लिया कि भाई तमाम विभागों यूनियन के सिर्फ पदाधिकारी, ब्लॉकों के और विभागों यूनियन के पदाधिकारी आज ही आ जाए। इसी संख्या को देखते हुए हजारे साथियों ने आज नोटिस डे मनाते हुए अपना नोटिस दिया सरकार। उड्डा और दूसरे अपने सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फायर के साथी हैं, क्लरिकल विभाग, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, मतलब सारे जितने भी संगठन काम करते हैं हरियाणा के अंदर, वो सभी के सभी इसके अंदर शामिल हैं। आपका नाम क्या? बलकीत सिंह, जिला प्रधान कर्मचारी संघ हरियाणा। जी सर, आप क्या कुछ कहना? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.